फ्रेंड्स, गर्मियों के मौसम में हमारी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हम प्लांट्स को जलने से कैसे बचाएं और कैसे गर्मियों भर प्लांट फूल देते रहें और हरे भरे बने रहें। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी जो कि गर्मियों में पौधे को ठंडक देगा और जलने से बचाएगा। पौधे पूरी गर्मियों हरे भरे स्वस्थ बने रहेंगे, उनमें न केवल बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल आएंगे बल्कि उनकी ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। बहुत ही आसान तरीके से ये खाद बन जाता है और इसमें यदि न्यूट्रिशन की बात करें तो पौधे के संपूर्ण विकास के लिए ज़रूरी पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं। जैविक फर्टिलाइज़र होने की वजह से किसी तरह से प्लांट पर साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है। पौधे में फूलों का आकार छोटा है तो फूल बहुत अच्छे आकार के आते हैं। आप सभी पौधों में, चाहे वो फूलों वाले पौधे हों, सब्जियों वाले पौधे हों या फिर फ्रूटिंग प्लांट्स हों, इस खाद को दे सकते हैं। गर्मियों में पौधे को जलने से, सूखने से बचाने के साथ साथ ये फर्टिलाइज़र प्लांट में नई ग्रोथ लाता है। पौधा लगातार ग्रोथ करता रहता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस के साथ साथ कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो पौधे की ग्रोथ के लिए बढ़ाते हैं। और पौधों में यदि पत्तियाँ पीली पड़ने की समस्या है तो वह भी नहीं होती है। कलियाँ फूल बनने से पहले गिरती नहीं है क्योंकि इसमें मौजूद कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर जैसे तत्व पौधे को मजबूती से ग्रोथ देते हैं। और पौधे में होने वाली बड्स ड्रॉप प्रॉब्लम या फिर पत्तियां पीली पड़ने की समस्या को ख़त्म करते हैं। इस खाद को आप अभी जो समर प्लांट हैं, समर में जो फ्लॉरिंग करते हैं उनमें भी दीजिए तो ये पौधे पूरी गर्मियों में फूल देंगे। क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम होती है, पौधे एक बार फूल देकर दोबारा फूल देना बंद कर देते हैं क्योंकि उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो आपकी यह समस्या भी खत्म हो जाएगी, पौधे लगातार नई ग्रोथ करेंगे और उनमें फूल आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को बनाना है और प्लांट्स पर कैसे यूज़ करना है। क्योंकि इसको बनाते समय और यूज़ करते समय हमें कुछ बातों की सावधानी भी रखनी होगी जिससे प्लांट में किसी तरह का नुकसान ना हो। तो मेरे पास हैं ये पुराने गोबर के कंडे। इस बात का ध्यान रखें, आपको गोबर का यूज़ नहीं करना है क्योंकि गोबर में हीट प्रोड्यूस होती है जो कि गर्मियों में हमारे प्लांट को जला सकती है। इसलिए कोशिश करें आप पुराने गोबर के कंडे इस्तेमाल करें, वो हमारे प्लांट के लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। दूसरी ज़रूरी सावधानी, इसकी क्वांटिटी का आपको बहुत ध्यान रखना है। क्वांटिटी के लिए मैं ले रही हूँ, मुझे बहुत सारे प्लांट्स पे इसका यूज़ करना है इसलिए एक बाल्टी पानी, तो मैं ले रही हूँ 20 लीटर पानी। 20 लीटर पानी में आपको 2 से 3 कंडों का इस्तेमाल करना है। इन कंडों को आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े आपको 2 से 3 कंडे के इस्तेमाल करने हैं और इस 20 लीटर पानी में आपको डाल देने हैं। इसको आप किसी तरह से भी वजन रखकर पूरी तरह से भिगा दें और इसको आपको 3 दिन रखना है। 3 दिन बाद फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करते समय भी आपको ध्यान रखना होगा। तो फ्रेंड्स, 3 दिन बाद कुछ इस तरह से आपको ये फर्टिलाइज़र मिलेगा। देखिए कंडे पूरी तरह से गल चुके हैं और ये फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए तैयार है। लेकिन इसको डालने से पहले आपको इसको डाइल्यूट करना होगा, तो इसकी मात्रा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। साथ में मैं इसको बता दूं आपको कि किस समय डालना है। इसको आपको तेज़ धूप में बिल्कुल भी नहीं डालना है। आप इसे सुबह के समय या फिर शाम के समय अपने प्लांट्स पर यूज़ करें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तेज़ धूप में यदि आप इसका यूज़ करते हैं तो ये प्लांट को नुकसान पहुँचा सकता है। तो अभी शाम का समय है, मैं अपने प्लांट्स पर इसे यूज़ कर रही हूँ, तो इसको पहले हम डाइल्यूट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ले रही हूँ इसमें 10 लीटर पानी। 10 लीटर पानी में ही मैं इसको डाइल्यूट करूँगी। ये फर्टिलाइज़र प्लांट के लिए बहुत जल्दी असर करता है क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र जब भी हम प्लांट में डालते हैं तो जड़ें बहुत तेज़ी से अवशोषित करती हैं और प्लांट को इसका बहुत जल्दी फ़ायदा देखने को मिलता है। ये जो बचे हुए कंडे के टुकड़े हैं, इनका इस्तेमाल आप कंपोस्ट में करें, गोबर की खाद बना सकते हैं और इस पानी का यूज़ हम फर्टिलाइज़र के लिए करेंगे। तो 10 लीटर पानी मैंने ले लिया है और इसमें आपको 1 मग भर के ये फर्टिलाइज़र का डाल लेना है। किसी भी लिक्विड फर्टिलाइज़र को जब भी आप यूज़ करते हैं, ख़ासतौर पर गर्मियों में यूज़ करते हैं, तो उसको बिना डाइल्यूट करे आपको यूज़ नहीं करना है। और जो सादा पानी मिलाने की मात्रा है वो भी आप जो आप ठंडों में डालते हैं उसकी तुलना में बढ़ा दें। तो मैंने ये फर्टिलाइज़र तैयार कर लिया है, इसको आपको अभी अपने सभी प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल दें। छोटा पॉट है तो आप 50 ml, बड़ा है तो 100 ml इस तरह से आप
डालें। फ्रेंड्स, आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके प्लांट हरे भरे स्वस्थ हो गए हैं और पूरी गर्मियों प्लांट सूखेगा नहीं। तो आप भी इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। थैंक यू।